कोरम होता है वही 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 हाँ अच्छा क्या बात कर रहे ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओ शिट ये तो हमको पता ही नहीं था हु शुड बी प्रेजेंट अरे बाप रे फॉर इट टू बी अ वैलिड मीटिंग मतलब कम से कम इतने लोग आने चाहिए तो ही मीटिंग वैलिड होगी नहीं तो मीटिंग वॉइड ऐसा हाँ कोरम गुस्ताख बालिका ये हो गया कोरम अच्छा अब जल्दी से पहले मेरे को ये बता दो आप कोरम कौन सी कंपनी में कितना होना चाहिए फिर अपन लोग बाकी सब बाद में पढ़ेंगे ना सो सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितना कोरम होना चाहिए टू अच्छा जो टू है ये थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए मिनिमम तो बराबर है ये थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए स्टार्ट ऑफ द मीटिंग होना चाहिए एंड ऑफ द मीटिंग होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग अच्छा किसी भी पॉइंट पे कोरम नहीं है तो अर्जन गया और वापस आ गया क्यों भामी जी क्या करना है अच्छा सुनो अच्छा एक पब्लिक का भी लिख लो फिर बताता हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में कोरम कितना होगा डिपेंड करता है तीन पॉसिबिलिटीज अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ओके आर अप टू 1000 1000 तक है तो कोरम कितना होगा 5 इफ दे आर बिटवीन 1001 to 5000 तो कोरम कितना होगा 15 और अगर ये 5000 से ज़्यादा है तो उस केस में कोरम कितना होगा 30 मतलब 5, 15, 30 दीज नंबर ऑफ पर्संस शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग तो जिस पॉइंट पर कोरम प्रेजेंट था आपने रेजोल्यूशन पास किया वैलिड था है ना अब जैसे एक मिनट के लिए मानते हैं भामी जी कोरम अपने 1001 से 5000 के बीच में मेंबर्स है तो कोरम कितना होना चाहिए 15 एग्जैक्ट 15 लोग हैं भामिनी जी को मिला के कितने 15 अब इनको थी मस्ती तो मीटिंग स्टार्ट हुई मीटिंग में थे 1, 2, 3, 4, 5 आइटम एजेंडा मतलब 1 अप्रूव्ड 2 अप्रूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ भामिनी जी जब ये आइटम नंबर 3 आया तो भामिनी जी का ऐसा विचार आया लेट्स गो आउट तो ये जो मीटिंग का दरवाज़ा था मीटिंग रूम का जो दरवाज़ा था उसके पीछे जाके छुप गई मीटिंग रूम में नहीं है वेन्यू पर नहीं है उस दरवाजे के बाहर है और बाहर खड़े खड़े देख रही है ना कि मीटिंग में क्या चल रहा है कैन द चेयरमैन नाउ प्रपोज द रेजोल्यूशन एंड पास द रेजोल्यूशन कर सकता है किया किया रेजोल्यूशन वैलिड है नहीं अच्छा जैसे ही रेजोल्यूशन खत्म हुआ भामिनी जी फिर दबे पाओ वापस से रूम में आई और आकर चुपचाप बैठ गई चेयरमैन ने उस रेजोल्यूशन को छोड़कर नेक्स्ट रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के सामने रखा इज दैट रेजोल्यूशन वैलिड नाउ यस तो ये वैलिड है वापस से 5 रखा वैलिड है अच्छा 5 के बाद उसको ऐसा लगा उसको रियलाइज हुआ कि इस वक्त भामिनी जी नहीं थी और भामिनी जी का होना कितना जरूरी है आप सबको पता है तो उसने क्या किया वो रेजोल्यूशन वापस से रीप्रपोज किया शेयर होल्डर्स के सामने क्या किया रीप्रपोज किया सेम रेजोल्यूशन और फिर उस पर वोटिंग हुई शी वॉज प्रेजेंट लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया इज द रेजोल्यूशन वैलिड वैलिड है श्योर एवरीवन कोई दिक्कत नहीं मतलब कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग फर्स्ट अगर आपने एब्सेंस में कोई रेजोल्यूशन पास किया तो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं होगा है ना रेजोल्यूशन वॉइड होगा अच्छा कोरम प्रेजेंट है भले ही सारे लोग वोट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता कोरम शुड बी प्रेजेंट बराबर है इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को भी एनीवन क्लियर है बात सबको चल अभी जो भी कोरम प्रेजेंट है इट शुड बी प्रेजेंट इन पर्सन सो कोरम मस्ट बी प्रेजेंट इन पर्सन किसकी प्रॉक्सीज हम लोग कंसिडर करते हैं
कुछ समझते हैं जरा। एंजॉय। हाँ, सो कोरम सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंसीडर करते हैं हम? जो मेंबर्स कैसे प्रेजेंट है, इन पर्सन, है ना? इन पर्सन मतलब जो मेंबर है, मेंबर ने मीटिंग अटेंड की, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। उसके अलावा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसके? ऑफ गवर्नमेंट या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के, उन्हें भी हम लोग कोरम के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी किसी कंपनी की शेयर होल्डर है ना? सो ये जो जनरल मीटिंग चल रही है, लेट्स से ये अभी आपकी आरआईएल की जनरल मीटिंग चल रही है, इस जनरल मीटिंग में से एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द शेयर होल्डर्स। एक्सिस बैंक एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक्सिस बैंक ने अपने किसी एम्प्लॉई को यहाँ पर ये जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है ना? तो ये जो एम्प्लॉई है ना, इसको आप कोरम में कंसिडर करोगे क्या? इसको इंक्लूड करना है हमको। क्यों? बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसका लिमिटेशन है, ये खुद कुछ बोल सकता है क्या? अच्छा, जैसे आप प्रॉक्सी को यू डोंट अलाउ देम टू स्पीक है ना, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक, तो उसके लिए उसको हम लोग कभी कंसिडर भी नहीं करते। वोट कर सकता है, वोटिंग भी सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में कर सकता है? ओनली इन केस ऑफ पोल। अभी आगे पढ़ते हैं क्या प्रॉक्सी के बारे में, बट यहाँ पर तो एक कंपनी है ना, मेंबर खुद कौन है? कंपनी है। अगर इंडिविजुअल होता तो फिर ऑफकोर्स इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि कंपनी, और कंपनी किसी भी सर्कमस्टांस में नहीं बोल सकती है, राइट? अच्छा, इन पर्सन आ सकती है क्या कंपनी? पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप कंसिडर करो कोरम के लिए। समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई कन्फ्यूजन किसी के भी दिमाग में? हाँ जी। सो जब भी आप कोरम की बात करते हो तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नर खुद तो नहीं आएंगे मीटिंग चलकर, तो उनके बिहाफ पर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास राइट है मीटिंग अटेंड करने का, और उसको आप कोरम के लिए कंसिडर करते हो। बॉडी कॉर्पोरेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, इसे भी हम लोग कोरम के लिए कंसिडर करते हैं। ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अब से फॉर एग्जांपल एक ऑड सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि कोरम प्रेजेंट नहीं था मीटिंग में, तो मीटिंग क्या करते हो आप? अर्जन करते हो। अर्जन कब होती है? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, है ना? अर्जन मीटिंग है। अच्छा, अब अर्जन मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, फिर पांच की रिक्वायरमेंट थी, पांच लोग नहीं है, कैन यू होल्ड कंडक्ट एंड कन्वीन द मीटिंग? कर सकते हैं। ओके, अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, कम से कम दो लोग होने चाहिए, कम से कम दो लोग होने चाहिए, एंड यू कैन होल्ड एंड कंडक्ट द मीटिंग, राइट? अर्जेंट मीटिंग की बात करो, ओरिजिनल मीटिंग की बात नहीं करो, भले ही रिक्वायरमेंट पांच की हो, लेकिन अर्जेंट मीटिंग में अगर दो लोग भी प्रेजेंट है तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक ही इंडिविजुअल को आप ऐसा समझना, सेम ये आरआईएल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी एजीएम चल रही है, ठीक है? इसमें पांच शेयर होल्डर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों बॉडी कॉर्पोरेट है। समझा नहीं समझा? पांचों बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, पांचों के बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक ही है, एक्स। अर्जेंट मीटिंग है, ओरिजिनल मीटिंग थी, कोरम नहीं था, ये अर्जेंट मीटिंग में बात कर रहा हूं। पांच लोगों के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव एक ही है। ओके, इज द कोरम प्रेजेंट? पांच को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, इज द कोरम प्रेजेंट? कितने लोगों को दिक्कत है? हाँ, ये डिस्कशन वाला है, नो पनिशमेंट। ओके, ठीक है, फेयर इनफ, चल जाएगा। 1, 2 और बस। अच्छा, ये वैलिड कोरम नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही पांच लोगों के बिहाफ पर है, लेकिन एक ही है। अच्छा, अगर ऐसा होता एक्स पांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और एक और इंडिविजुअल है वाई, दो लोग हैं मीटिंग में, अभी चल जाएगा क्या? अब चल जाएगा, राइट? मतलब भले ही आप पांच को रिप्रेजेंट करो, लेकिन उसके अलावा एक पर्सन और मीटिंग में होना ही चाहिए। अच्छा, कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें सिर्फ एक पर्सन है लेकिन फिर भी मीटिंग वैलिड है? हट, ओबीसी की जनरल मीटिंग ही नहीं होती, कुछ भी जनरल मीटिंग की बात करो ना, बोर्ड मीटिंग में कहां कोरम आ गया, मतलब कहां प्रॉक्सी ऑक्सी की बात आ गई? एनसीएलटी के ऑर्डर से जो मीटिंग आप कंडक्ट करते हो, उसमें इवन इफ द कोरम इज इनसफिशिएंट, इवन इफ वन मेंबर इज प्रेजेंट, इट फॉर्म्स अ वैलिड कोरम, द मीटिंग इज वैलिड।
उस केस में मीटिंग वैलिड है. ठीक है, ये पार्ट क्लियर है सबको? तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आप कोरम के लिए इंक्लूड करते हो उन्हें. अच्छा, अगर एक ही इंडिविजुअल, हाँ हाँ एक बात और बताना. सी, जब ये वाली सिचुएशन होती है ना कि एक ही बंदा है जो पांच कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको एक ही मानना. ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्स पांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, और वाई भी मीटिंग में प्रेजेंट है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं मीटिंग में? 1, 2, 6. एक्स कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5. और वाई उसके अलावा मीटिंग में है, कितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में? 2. एक्स इज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट, एंड वाई इज एन इंडिविजुअल हुज अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन. मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट है? 1, 2, 6, 5. ओके, 1, 2, 5, 6. कितने? 6. अरे लिखा ना 6, अभी क्या आर्ग्यू कर रहे हो? बताता हूँ क्यों 6. अच्छा, हाँ, 5 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी है ना, तो 5 कंसिडर करना. जो वोट करेगा ना वो 5 लोगों के बिहाफ पे करेगा. सो 5 और 1 जो वाई है, 6 लोग प्रेजेंट है. बहुत कन्फ्यूजन है, अलग लेवल का कन्फ्यूजन. सुनो 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 मेरी बात सुनो, बहुत ऑब्वियस ही बातें आता ही आता है. इनका बोलने का पर्पस क्या था? एक मिनट बात तो सुनो रे. सी, जब अकेला इंडिविजुअल है ना, एक मिनट के लिए कोरम वाली बात साइड में रखना. एक इंडिविजुअल है जो 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 5 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लोगों के बिहाफ पे वोट कर रहा है? 5, मतलब 5 लोग तो है वोट करने के लिए, है ना. अब उस मीटिंग में एक और आ गया तो टोटल लोग कितने हो गए? 6. तो 6 लोगों के बिहाफ पे वोटिंग. ठीक है, अच्छा, फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले फिर हम लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि जब वो अकेला था, 5 लोगों के बिहाफ पे था, फिर आपने क्यों उस वक्त क्यों नहीं बोला कि कोरम के लिए कंसिडर नहीं? मैं उस वक्त कोरम की बात कर रहा था, अभी मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ, है ना. तो वोटिंग के लिए 6 लोग हैं, कोरम के लिए, अच्छा, फिर एक ही इंसान 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक ही ना. तो डिस्कशन करने की, जब आप मीटिंग की बात करते हो, मीटिंग मतलब कम से कम 2 लोग ना. अकेला इंसान मीटिंग करेगा क्या अपने साथ? मैम कर सकते हैं क्या हम लोग? कभी किया आपने ऐसी कोई मीटिंग? नहीं ना. तो कम से कम एक और कोई होना चाहिए ना. इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल भले ही 50 लोगों को रिप्रेजेंट करे, फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ एक और होना ही चाहिए अगर आप वैलिड कोरम की बात करो तो. कितने लोगों को कन्फ्यूजन है अभी? श्योर? कन्विंस्ड? मैंने जो भी बोला सब गलत बोला अभी तक. कन्विंस कैसे हो गए तुम लोग? ऑफकोर्स 2 लोग. 6 कहाँ से लिया है? हाँ, तू नया कुछ पूछ रहा है? एक मिनट, ये पजल सॉल्व कर ले एक मिनट के लिए, है ना. 2 ही लोग हैं. अब 2 के लिए प्रूव करूँ? आपने 2 ही बोला था ना, बिल्कुल गलत है. मैं जो भी पढ़ा रहा था सही पढ़ा रहा था, 6 लोग. ठीक है, सो कोरम 2, बट वोट कितने लोग करेंगे? 6. यही सही है ना, कोई गलत कुछ कन्फ्यूज नहीं. बोल भाई. मेरे बिल्कुल नहीं यार, देखिए जब प्रॉक्सी को आप अपॉइंट करते हैं ना, प्रॉक्सी जिसके बिहाफ पे जा रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वोट करता है. तो प्रॉक्सी इज एन एजेंट, इज नॉट द प्रिंसिपल. तो जो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया उसके हिसाब से वोट करेगा. अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल ने कुछ और बोला है, एजेंट कुछ और ही वोट कर रहा है, जो आई एम श्योर आएगा, तो उसका भगवान भी मालिक नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता. अल्टीमेटली वोट तो वही माना जाएगा जो प्रॉक्सी ने वोट किया है ना. बाद में प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था, तेरी दिक्कत खुद आ जाता अगर तेरे को सब सही चाहिए था तेरे हिसाब से, तो फिर उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, हाँ जी. वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स में सर प्रॉक्सी वोट ही नहीं करता है ना, ही कैन ओनली वोट इन केस ऑफ पोल, है ना. तो क्या जब लॉ बनाया तब उन्होंने सोचा है ये सब डिफिकल्टी आती है, इसलिए उसको पोल में अलाउ किया. जी सर. मैंने भाई ये तो लिखा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी तो होता है. जब किसी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में जाता है तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं, वो कोई अलग नहीं होता, किसी को तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है ना वो, तो उसको तो इंक्लूड करते ही करते हो, है ना. बोल और कुछ, है ना. लिमिटेशन है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद से तो जा ही नहीं सकता है, तो
तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, जब एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी की मीटिंग अटेंड करती है तो आप दो चीज़ें भेजते हैं, एक प्रॉक्सी फॉर्म और दूसरा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब अगर एक्सिस बैंक ने अपने एम्प्लॉई को ऑथराइज़ किया है कि तू आरआईएल की बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, तो एक्सिस बैंक इस एम्प्लॉई के फेवर में एक रेजोल्यूशन देता है, वरना तो कोई भी उठ के चला जाएगा ना। स्टैम्प बनवाने को क्या लगता है, 20 रुपये में सिक्का बन जाता है आपका, वो लगा के मार दो कि भाई मैं आरआईएल का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक्सिस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नॉट वैलिड। सो क्या होता है, ये एम्प्लॉई के पास दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक प्रॉक्सी फॉर्म और दूसरा ये बोर्ड रेजोल्यूशन रहता है कि तू इस मीटिंग में जाकर वोट करना है तेरे को। तो वो दोनों हम लोग भेजते हैं ना, तब कंपनी आपको अलाउ करती है वोटिंग करना। इंडिविजुअल के केस में तो रेजोल्यूशन का सवाल ही नहीं है ना, इंडिविजुअल क्यों रेजोल्यूशन देगा ना, इंडिविजुअल तो डायरेक्टली से प्रॉक्सी फॉर्म देगा, है ना। डन, चले आगे। हाँ, सो अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में तो क्या होता है, मीटिंग अर्जन हो जाती है। अर्जन कब होती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। अच्छा, अगर एक महीने के अंदर अंदर मीटिंग होल्ड की है ना, मतलब आपने जो अर्जेंट मीटिंग है एक महीने के अंदर अंदर है, तो उस केस में आपको 3 दिन का नोटिस देना है। कितने दिन का, 3 दिन का। 3 दिन का नोटिस कैसे दोगे, या तो ईमेल और फिजिकल कॉपी भेजो, या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, दो पेपर में ऐड दे देना, इंग्लिश और वर्नाक्यूलर। ये कब, जब मीटिंग विद इन 30 डेज, एक महीने के अंदर अंदर अगर आपने कन्वीन किया अर्जेंट मीटिंग। अच्छा, अगर मीटिंग एक महीने के बाद है तो फिर क्या करना है, प्रॉपर नोटिस, जो वो हम लोग 21 डेज क्लियर नोटिस पढ़ते हैं ना, वो पूरी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना है। कब, जब मीटिंग अर्जेंट हुई एक महीने से ज़्यादा के लिए। क्लियर है सबको। नॉर्मली इफ नथिंग स्टेटेड, अर्जेंट मीटिंग कब होती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, अर्जेंट मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती है। डन। यार ये अभी जो मैं कहानी आपको सुना रहा था ना, वो यहाँ पर लिखी हुई है। अभी जब मैं लास्ट में आपको पढ़ने का वो टाइम देता हूँ, तब ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना। अच्छा, इसमें ना मॉड्यूल में ही आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के प्रोविजन सब ऐड किए हुए हैं, जो मैंने आपको नए नोट्स दिए हैं है ना, उसके अंदर भी मैंने एसएस के प्रोविजन सारे के सारे इंक्लूड कर लिया। तो वो बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज उससे केसेस बनते हैं काफ़ी सारे, है ना। चलो, अर्जेंट मीटिंग आपको बता दिया है, बोलो ना। अर्जेंट मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो फिर दो लोग अगर हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम, और आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, कन्वीन कर सकते हैं। अर्जेंट मीटिंग किस दिन नहीं हो सकती है, अर्जेंट ये नेशनल हॉलीडे पर नहीं हो सकती है ना। कितने दिन का नोटिस देना है आपको, 3 दिन का। अगर नोटिस नहीं दे पा रहे हो 3 दिन का, दो पेपर में ऐड देना है, इंग्लिश और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, है ना। और 30 दिन के आगे गई तो फिर जो नोटिस के नॉर्मल रूल्स हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लाई करना है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। बॉडी कॉर्पोरेट का पूरा फंडा बता दिया, क्लियर है ना वो सबको। यार ये वाला एक पैराग्राफ पढ़ लो जरा साथ में। इन केस टू और मोर कॉर्पोरेट बॉडीज हु आर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ईच ऑफ द बॉडीज कॉर्पोरेट will be treated as personally present by the individual representing it, right? If for instance he represents 3 bodies corporate, his presence will be counted as 3 members being present in person for purpose of quorum, hai na. So 3 log present hai, hum log mante hain. Ha, acha, ek individual hai jo ek company ko represent kar raha hai aur khud member bhi hai. एक इंडिविजुअल है जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और खुद कंपनी का मेंबर भी है, इसको एक मानोगे दो मानोगे, वोटिंग के लिए दो, कोरम के लिए एक, किसी और एक का होना जरूरी है। अगर कोई और एक है तो टोटल 3 लोग हैं मीटिंग में, वो दो कैपेसिटीज में कर रहा है ना, खुद इंडिविजुअल है मेंबर है, दूसरा किसी के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, दो, और जो थर्ड एक और जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है वो 3, है ना। क्लियर है बात सबको। चलो ये एग्जाम्पल ये पढ़ना है क्या, एक बार पढ़ लो, देखो जरा। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्सवाइजी लिमिटेड हैविंग 700 मेंबर्स एज ऑन कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग्स। तो नॉर्मली 700 मेंबर्स है तो कोरम कितना होना चाहिए, 5, लेकिन इन्होंने आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, 7, चलता है क्या? ओके,
फॉलोइंग द स्टेटस ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन अ जनरल मीटिंग ऑफ एक्सवाईज़ेड लिमिटेड टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. देखो जरा कौन कौन लोग प्रेजेंट है. मिस्टर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ए कंसिडर करोगे इसको? ओके. मिस्टर बी एंड सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इंक्लूड करना है? छोड़ देना. मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग ए बी सी एंड स्काई लिमिटेड, कितने मानोगे? दो ना. अरे बाप रे, अभी वो छह बताया था ना कि पांच लोगों को एक रिप्रेजेंट कर रहा है. अरे वो अर्जेंट मीटिंग का बोल रहा था मैं आपको. अरे बाप रे बाप, थम्बा. कितने लोग प्रेजेंट है क्या बोलोगे? अभी वही तो पढ़ा रहा था कि उसको, ये आपको लाइन पढ़वाई ना, कहाँ गया ये, कि तीन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको तीन मानोगे, अभी तो पढ़ा ना. तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, तो ये कुछ और बोल रहे ना. नहीं नहीं नहीं, अरे बॉडी कॉर्पोरेट की भी हाफ में तो इतने ही मानोगे ना जितने हैं. ओके अच्छा, मैं अभी बोलूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ. सुनो, अगर एक इंडिविजुअल दो बॉडीज कॉर्पोरेट के या तीन बॉडीज कॉर्पोरेट के बिहाफ है तो तीन मानना, ठीक है? जो हम लोग एक मिनट, मेरी बात तो सुनो. मैं आपको क्या बोल रहा था कि अर्जेंट मीटिंग की मैं आपको बात बता रहा था. अर्जेंट मीटिंग में अगर एक ही इंडिविजुअल आया जो पाँच कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑल दो दे आर फाइव राइट, लेकिन एक ही मानना क्योंकि दूसरा कोई इंडिविजुअल नहीं है. तो मैंने आपको ये बोला था कि जब दूसरा कोई इंडिविजुअल प्रेजेंट हो तो टोटल छः है, यही बोला था ना पहले भी. हाँ तो कुछ भी बोलेगा. अच्छा मैंने ये भी बोला था आपको कि उसको एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही कंसिडर करना. अरे छः लिखा था ना, कैसे लोगों, ये क्या छः लिखा ना इधर है. हाँ ना, तो जब मैं आपको किस पर्पज से बोल रहा था कि अगर आप मल्टीपल कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हो तो आप मल्टीपल पोजिशंस में हो. इसने मेरे को पूछा भी था कि तीन के फेवर में बोला, दो के अगेंस्ट में बोला, तो पाँच हो गए ना वैसे. तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि उसके अलावा एक और किसी का होना बहुत जरूरी है. अगर कोई एक और है तो उसको फिर इतने ही नंबर्स दो ना जितने के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आ रहा है? तो यहां पर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसमें मिस्टर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑलरेडी कोई है उसके अलावा, है ना. अच्छा फिर ये डी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको एक मानोगे दो मानोगे आप? दो. तो टोटल अभी तक कितने हो गए? तीन. प्रेफरेंस को कंसिडर नहीं करना है ना. ई एफ जी एच आर प्रॉक्सीज ऑफ शेयर होल्डर्स, डू यू काउंट देम? नहीं. तो कितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में? हाँ मतलब प्रेजेंट कितने लोग हैं? सात. अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रेजेंट कितने लोग, प्रॉक्सी है ना, प्रेजेंट कितने लोग हैं? सात. लेकिन कोरम के लिए कितने कंसिडर करोगे? तीन. तो है क्या वैलिड कोरम? नहीं. अच्छा ये चारों अगर मेंबर्स होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी. अर्जेंट मीटिंग का मैं आपको बता चुका हूं. हाँ आगे देखो, चेयरमैन बोलो जरा, चेयरमैन कौन हो सकता है? जो भी बोर्ड अपॉइंटेड चेयरमैन है इज द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग्स एज वेल, है ना. अच्छा अगर शेयर होल्डर किसी और को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, दे कैन अपॉइंट समवन एल्स एज द चेयरपर्सन. जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट ना हो तब तक ओरिजिनल चेयरमैन विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. जैसे ही नया चेयरमैन अपॉइंट होता है ही विल टेक ओवर द रेंस ऑफ द मीटिंग. जब तक मीटिंग खत्म ना हो तब तक ये नया चेयरमैन कंटिन्यू करेगा. जैसे ही मीटिंग खत्म हो गई वापस से ओरिजिनल चेयरमैन विल अज्यूम द ऑफिस. क्लियर है सबको ये बात, है ना. अच्छा मीटिंग अडजर्न हो गई इस बीच में तो ओरिजिनल चेयरमैन, न्यू चेयरमैन, न्यू चेयरमैन. अडजर्न मीटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. तो सेम टर्म्स पे आप कंटिन्यू करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफिस वेकेट कर देगा, ठीक है. अच्छा फिर बाद में बोर्ड ने नए चेयरमैन को परमानेंटली अपॉइंट कर दिया, ए ओरिजिनल चेयरमैन है, हाँ, बी को जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपने चेयरमैन बनाया, ओके. बाद में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब जनरल मीटिंग खत्म हुई बी का टर्म खत्म हो गया, बी को बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू उन्होंने परमानेंट चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया. तो अब चेयरमैन ए रहेगा या बी?
फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट मीटिंग्स चेयरमैन कौन हो गया? बी. अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होता है? ए विल अगेन अज्यूम द चेयर. क्लियर है सबको? अच्छा, कोई भी मीटिंग बिना चेयरमैन की नहीं हो सकती है. नो मैटर वॉट, आपको चेयरमैन बनाना ही बनाना है. अगर चेयरमैन 15 मिनट में, जो भी शेड्यूल टाइम था 15 मिनट के अंदर ना आए, तो डायरेक्टर्स अपने आप में से किसी को भी चेयरमैन अपॉइंट कर सकते. पहली अपॉर्चुनिटी चेयरमैन बनाने की किसके पास है? डायरेक्टर्स. अगर डायरेक्टर्स भी नहीं है तो फिर मेंबर्स आपस में से किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट्स. फर्स्ट 15 मिनट्स किसके हैं? डायरेक्टर्स के. अगर एक भी डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या करोगे? मेंबर्स. अच्छा, मेरे को एक बात बताना, 0 to 15, 15 to 30 या 0 to 15 में ही दोनों हैं? I'll come back. चेयरमैन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो 15 मिनट में कौन चेयरमैन बनाएगा? डायरेक्टर्स. ठीक है, 15 मिनट खत्म हो गए. ओके, उसके बाद वापस से फ्रेश 15 मिनट स्टार्ट होते हैं और आप डायरेक्टर्स का वेट करते हो, या जो 15 मिनट थे ये ओरिजिनल वाले, पहले वाले 15 मिनट थे? मतलब टोटल 30 मिनट रुकना है शेयर होल्डर्स को अपना चेयरमैन बनाने के लिए, 15 मिनट रुकना है, 15 मिनट रुकना है, 30 मिनट ही रुकना है. मतलब फर्स्ट 15 मिनट में ही आप ये देख लो कि चेयरमैन है या नहीं है. नहीं है डायरेक्टर, अगर उस वक्त डायरेक्टर भी कोई भी नहीं था, तो 16वें मिनट में आप चेयरमैन बना सकते हो, है ना. मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 15 मिनट आपको डायरेक्टर्स का वेट नहीं करना है, 16वें मिनट में आप किसी को भी चेयरमैन बना सकते हो. ठीक है, क्लियर है सबको? ये 15 मिनट्स वाला आपको बता दिया. और ठीक है. अच्छा, चेयरमैन क्यों बनाते हो वैसे? प्रॉपरली कल पढ़ा था ना, कंडक्टेड, कन्वीन्ड, है ना, तो वो ध्यान रखने के लिए कि प्रॉपर कोरम प्रेजेंट था, इट वाज प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, इट वाज प्रॉपरली कंडक्टेड एंड कन्वीन्ड. मतलब जो रजिस्टर्स आपको ओपन रखने थे इंस्पेक्शन के लिए, सब ओपन है प्रॉपरली. सारे रेजोल्यूशन पे प्रपोजर सेकेंडर आया, प्रॉपर हर रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई है, और आपने एक स्मूथ ट्रांसपेरेंट वे में पूरी की पूरी मीटिंग कंडक्ट किया, कन्वीन किया, है ना. हाँ, अगर चेयरमैन इंटरेस्टेड है तो विल ही वोट? अच्छा, एवरी ईयर 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ऑफ विच 1/3 शैल कंपलसरी रिटायर एंड इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. डायरेक्टर ही चेयरमैन बनता है? ओके, समझना. इस साल आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मैं कंपनी का चेयरपर्सन भी हूँ, ठीक है. माई टर्म इज सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन. एज अ डायरेक्टर आई हैव टू रिटायर, नो मैटर इवन इफ आई एम द चेयरमैन, है ना. सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और मैं कंपनी के बोर्ड पर चेयरमैन भी हूँ. ओके, अब जब मेरा रेजोल्यूशन आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट, कैन आई प्रपोज दिस रेजोल्यूशन बिफोर द शेयर होल्डर्स? मैं रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता हूँ. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? एवरीवन, किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो पहले बता दें. श्योर? हाँ जी, हाँ बताएं. बोलो, कैन आई प्रपोज दिस रेजोल्यूशन बिफोर द शेयर होल्डर्स? कर सकता हूँ, कभी भी नहीं करूँगा. क्यों? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रेजोल्यूशन. तो जिस रेजोल्यूशन में मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई लीव द चेयर ओनली फॉर दिस रेजोल्यूशन. आई रिपीट, ओनली फॉर दिस रेजोल्यूशन. मैं मेरी जगह छोड़ दूंगा, राइट? मैं किसी और को अपॉइंट करता हूँ, मतलब बोर्ड किसी और को नॉमिनेट करेगा चेयरमैन, वो चेयरमैन इस रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग प्रिसाइड करेगा. ओके, जैसे ही रेजोल्यूशन खत्म हुआ, वापस से जो नया चेयरमैन था, ही विल वेकेट द चेयर, और मैं अगर ओरिजिनल चेयरमैन हूँ तो मैं वापस से अज्यूम करूंगा चेयर और आगे की मीटिंग प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करूंगा. समझ में आ रहा है? तो जिस रेजोल्यूशन में चेयरमैन इंटरेस्टेड है, ही विल नेवर वोट ऑन दैट रेजोल्यूशन. कोई कन्फ्यूजन? बोलो. श्योर? श्योर. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ये पढ़ा था हम लोगों ने. बोथ ऑफ देम शुड बी प्रेजेंट. स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यों प्रेजेंट होना चाहिए? उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए हैं. और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट लगती है, सारी लिस्टेड कंपनीज को लगती है. तो बिकॉज उसने सेक्रेटरियल ऑडिट किया है, सो अगर शेयर होल्डर्स को कोई स्पेसिफिक क्वेरी या कंसर्न होता है, सो ही शुड बी प्रेजेंट टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस, है ना. इसलिए इनको नोटिस भी जाता है. प्रॉक्सी. हाँ जी मैम, कॉस्ट ऑडिटर का पूरा रोल आप ऐसे देखते हो ना, तो इट्स मोर ऑफ टू डू विद बोर्ड, बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, वी ऑलवेज इन्वाइट द कॉस्ट ऑडिटर टू द मीटिंग. इंटरनल ऑडिटर का ऐसा कोई रोल नहीं होता, नॉर्मली प्रेजेंट बट स्टैट्यूटरीली नॉट रिक्वायर्ड.
एक्चुअली क्या होता है इंटरनल ऑडिटर के केस में, एक और एक डिफरेंट पॉइंट क्या आ जाता है ना कि कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको किसी एजेंसी को ही देना है, तो इसलिए वहाँ पे वो सब फैक्ट्स नहीं आता। और सेकेंडली स्टैचुटरी ऑडिटर आपका रहता ही रहता है। हाँ जी, प्रॉक्सी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारा पढ़ने का इसमें अपन, मैं चाह रहा था ये अपन थोड़ा सा साथ में रीड करते हैं। पहले जो जनरल पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉक्सी वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले कौन होता है प्रॉक्सी? सो इन केस इफ अ मेंबर इज नॉट इन अ पोजीशन टू अटेंड द मीटिंग, ही विल अपॉइंट हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन हिज बिहाफ, विल अटेंड एंड वोट, इज बेसिकली अ प्रॉक्सी, है ना। चलो फटाफट देख ले पॉइंट्स क्या क्या है। सो अगर कोई मेंबर है कंपनी का, इज नॉट प्रेजेंट इन पर्सन, तो उसके पास राइट है टू अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव। और जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को आपने अपॉइंट किया है वो कौन होता है? आपका प्रॉक्सी। अच्छा, जब भी प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो तो उस मेंबर को क्या करना पड़ता है? हैज टू फिल अ प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म कौन से फॉर्म में होता है? MGT 11। एंड दिस प्रॉक्सी फॉर्म इज सबमिटेड, किसको सबमिट करते हो? टू द कंपनी। कितने टाइम पहले? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग, है ना। सो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इट शुड बी डिपॉजिटेड। जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो, कंपनी एंटर्स द नेम ऑफ प्रॉक्सी इन रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज। रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज में नाम लिख देती है। डन। चलो, अब एक इंडिविजुअल कितने लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है? अच्छा, किसे प्रॉक्सी बना सकते हो? सबसे पहले हु कैन बी अ प्रॉक्सी? कैन यू अपॉइंट अ कंपनी एज अ प्रॉक्सी? तो कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन, है ना। कोई भी नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ प्रॉक्सी। अच्छा, किसी 6 साल के बच्चे को आपने प्रॉक्सी बना दिया, बोला जाके वोट कर देना जनरल मीटिंग में, कैन यू डू दैट? नहीं, क्यों? अच्छा, माइनर है, कंपीटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसे आप प्रॉक्सी बना सकते हैं? हाँ, नहीं क्या? डन। चलो, उसके बाद अब जिस इंडिविजुअल को आप प्रॉक्सी बना रहे हैं, ये कितने लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है? 50 मेंबर्स, 50 लोगों के बिहाफ पर प्रॉक्सी बन सकता है, है ना। सो मैक्सिमम कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? 50। अच्छा, जो भी 50 लोग हैं इनकी मैक्सिमम होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? इट कैन नॉट एक्सीड 10%, सो अप टू 10% होल्डिंग होनी चाहिए।
अच्छा, कंपनी का मेंबर है, ये कंपनी का मेंबर है, इस मेंबर के पास टोटल होल्डिंग है 30%, कितनी है 30. अब इसको तीन प्रॉक्सीज अपॉइंट करने पड़ेंगे, ए बी सी, इसको 10, इसको 10, इसको 10, ऐसा नहीं, क्यों, अभी तो लिखा ना 10%. हाँ, टोटल 10 होना चाहिए ना, तो एक के पास अगर 30% है तो उसको तीन प्रॉक्सी लगेंगे ना. अरे मेरे बाप, 50 लोगों की टोटल होल्डिंग हो सकती है 10%, बराबर है, यही है ना रूल. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक ही है जिसके पास 30% है, तो एक प्रॉक्सी बनाएगा तो चलेगा क्या, बट मैक्सिमम 10% ही है ना. मतलब नहीं चलेगा, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है. एक सिंपल सी बात मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास 30% शेयर्स है, कैन आई अपॉइंट जस्ट वन प्रॉक्सी, एक ही प्रॉक्सी है, तीन नहीं चाहिए, तो फिर 10% का क्या फंडा है. नहीं, आप शायद कुछ दूसरी बात करो. मेरा क्या कहना है, एक इंडिविजुअल कितने लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है, और इन पूरे 50 लोगों की होल्डिंग कितने ज्यादा नहीं हो सकती, 10%, बराबर है, ये रूल है, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप में से एक ही इंडिविजुअल ऐसा है जिसके पास 30% शेयर्स है कंपनी के, कितने, और ये मेंबर नहीं मीटिंग अटेंड कर पा रहा है और इसको प्रॉक्सी बनाना है, तो एक ही को प्रॉक्सी बना सकता है या उसको तीन प्रॉक्सी से लगेंगे, इज माई क्वेश्चन. बट 10% है ना, तीन लगेंगे. हाँ जी, मतलब आंसर क्या है तेरा, लेकिन तू मैं प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम बढ़ा रहा, तू आंसर तो बता मेरे को, तू चाह क्या रहा है, एक या तीन, कितने लोगे तीन वाले, 1-2 पाटिल, अपन अकेले रह गए भाई, बहुत जाएगा भाई तू लाइफ में. और मैम ये हाथ खड़ा है क्या आपका, नहीं, स्टिल कंफ्यूज्ड, एक या तीन नहीं लगेंगे. अच्छा, ये जो 10% वाला रूल है ना, ये जब अगर एक से ज़्यादा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो 10% वाला रूल है, अगर एक इंडिविजुअल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर वो 10% वाला फंडा ही नहीं, एक तो एक को कर ही सकता है ना. अब उसके लिए थोड़ी तीन प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे, आपकी 10-10 तीन उठा के लेके जाएंगे, क्यों जरूरत है. ये कब आता है, जब आप मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये 10% का उन्होंने ब्रैकेट डाल दिया है ना, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर 30% है ना तो एक ही प्रॉक्सी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा भामिनी जी, आपके पास 30% शेयर्स इस एग्जाम्पल के हिसाब से है ना, एक आप मेरे को अकेले को प्रॉक्सी आप बनाओगे नहीं, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए मानते हैं कि आप मुझे अकेले को प्रॉक्सी बना सकते हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लोग हैं, ओके, आप पूरे 50 लोगों के पास मिलकर 8% शेयर्स है कंपनी के, कितने, 8, राइट. तो यहाँ पर आप 50 लोग मिलकर मुझे अकेले को प्रॉक्सी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है कि मैं अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट. तो इसलिए उन्होंने परसेंटेज की लिमिट डाल दी कि तू पूरे गांव भर को मत लेके आ जा, और अगर ले रहा है तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स नहीं, 10% मतलब सब माइनॉरिटी हो गई, राइट. अच्छा, जहां पे अकेले इंडिविजुअल को आपको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ आपके पास अगर 30% है, राइट, तो फिर तो एक ही को बनाऊंगा ना, फिर मैं क्यों ये आपकी होल्डिंग में डिवाइड करूंगा, तो उसमें एक ही रिप्रेजेंटेटिव चलता है. समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं जल्दी से. एनीवन, श्योर, श्योर, आगे. सो कितनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, 50. इन सभी की मैक्सिमम होल्डिंग कितनी हो सकती है, नॉट मोर देन 10%. और अगर एक इंडिविजुअल 10% से ज़्यादा होल्ड करता है तो चलेगा, वो एक को प्रॉक्सी बना सकता है. अच्छा, इज अ प्रॉक्सी रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर, सो प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है. हाँ, इसका एक ही एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रॉक्सी नीड्स टू बी अ मेंबर, उसका मेंबर होना जरूरी है. डन, क्लियर है बात सबको.
अच्छा, कैन प्रॉक्सी बी रिवोक्ड? प्रॉक्सी रिवोक हो सकती है? यस. कितनी बार? कितनी बार रिवोक करना चाहो उतनी बार रिवोक कर सकते हो. लास्ट प्रॉक्सी जो भी रहेगी वो कंपनी कंसिडर करेगी. और कौन लास्ट, मतलब कब तक सबमिट कर सकते हो? 48 आवर्स बिफोर द टाइम शेड्यूल फॉर द मीटिंग. उसके बाद अगर प्रॉक्सी आती है जिसमें आपने पुरानी वाली प्रॉक्सी रिवोक की है, तो फिर उसको हम लोग इफेक्ट ही नहीं देंगे. जो लास्ट प्रॉक्सी 48 आवर्स के पहले कंपनी को मिली है, कंपनी उस प्रॉक्सी को कंसिडर करती है. अच्छा, प्रॉक्सी नॉर्मली जब प्रॉक्सी फॉर्म आप देखते हैं ना, उसमें दो प्रॉक्सीज हम लोग अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड. दोनों प्रॉक्सीज मीटिंग में पहुंच गए, कौन वोट करेगा? फर्स्ट. सेकेंड में स्पेसिफिकली फेलिंग हिम, अगर फर्स्ट वाला नहीं आया तो ही सेकेंड वाला वोट कर सकता है. हमेशा फर्स्ट राइट किसका होता है? फर्स्ट प्रॉक्सी होल्डर का. मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए मीटिंग में, हु विल वोट? मेंबर विल वोट, है ना. अगर प्रॉक्सी वोट कर चुका है ऑलरेडी, फिर मेंबर कुछ नहीं कर सकता, राइट? बट अदरवाइज वोट कौन करेगा? मेंबर. सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग आपको ये इंश्योर करना है कि मेंबर इन्फॉर्म कर दे सो दैट ही कैन वोट. एक बार वोटिंग हो गई इसके बाद फिर मेंबर भी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता. वोटिंग हो गई मतलब बात ही खत्म है. क्लियर है बात सबको? और कौन से फॉर्म में रहती है प्रॉक्सी? इट इज सबमिटेड इन फॉर्म MGT 11. अच्छा, इज अ प्रॉक्सी अलाउड टू स्पीक? सो प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक. कैन दे वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस? हाँ, सिर्फ और सिर्फ पोल पे वोट कर सकते हैं. शो ऑफ हैंड्स पर, दे कैन नॉट वोट. कैन अ प्रॉक्सी वोट इन केस ऑफ ई वोटिंग ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग? अरे ई वोटिंग मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ई वोटिंग प्रॉक्सी करेगा. अगर ई वोटिंग ऑप्शन है तो जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है क्या? वोट कर सकता है? लिखो 50 बार. हट दिया सबको, एक रीजनेबल चांस दिया. लिखो, दो बार पूछा इसीलिए. लिखो लिखो लिखो. नहीं नहीं लिखो ना. अब अगर घरोसा लो, अगर आपने ई वोटिंग ऑप्शन दिया तो वोटिंग स्ट्रिक्टली कैसे होती है? लिखो लिखो 50 बार साला. इन केस ऑफ ई वोटिंग ऑप्शन, इन केस ऑफ ई वोटिंग ऑप्शन, पाटिल 5 बार एक्स्ट्रा तेरा लिख है फिर. इन केस ऑफ ई वोटिंग ऑप्शन कॉमा, कॉमा भी लगाना पूरा बराबर. हाँ, वोटिंग एट द जनरल मीटिंग हैपेंस, वोटिंग एट द जनरल मीटिंग हैपेंस ओनली बाय वे ऑफ पोल. बेवकूफो, ओनली बाय वे ऑफ पोल. तो शो ऑफ हैंड्स होता ही नहीं है. क्यों? ई वोटिंग में वन मेंबर वन वोट, सॉरी वन शेयर वन वोट. तो जनरल मीटिंग में भी सेम रूल अप्लाई करोगे, वन शेयर वन वोट. तो जहां ई वोटिंग फैसिलिटी आपने मेंबर्स को दी है, तो जनरल मीटिंग में वोटिंग एक ही तरीके से हो सकती है, पोल के थ्रू ही होगी. शो ऑफ हैंड्स होता ही नहीं है. शो पोल पे प्रॉक्सी वोट कर सकता है ना. लिखना अभी 50 बार. सो यू कैन वोट ओनली ऑन पोल. अच्छा, इसकी बहुत इच्छा हो रही कुछ बोलने की, ही स्टिल वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन. कर सकता है? बोल नहीं सकता. जो भी इसका क्वेश्चन है लिख के चेयरमैन को दे देगा, चेयरमैन विल एड्रेस दैट क्वेश्चन, है ना. बट ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक. ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन, चलो चलो. क्या करेंगे? बस मतलब क्या, अभी रीड करोगे तुम लोग, फिर पनिशमेंट पूरा करोगे, फिर घर जाओगे. पनिशमेंट अभी दिया ना 50 बार का. यस, भीख दे रहे हो है? 5 बार भामिनी जी, 55 बार. हाँ, तो क्या करना है अपने को? एक बार रीड शट अप. एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ. और हाँ, आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे. अच्छा, एक अच्छा काम करेगा, ये प्रॉक्सी यहीं पे पढ़ ले क्या पूरा साथ साथ में, है ना. बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें. चलो साथ में पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन साथ में पढ़ेंगे. चलो मैं पढ़ता हूँ, ज़रा बिल्कुल ध्यान कान मन सब लगा के सुनना.
हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखना, हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी? एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हुज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड वोट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ. तो कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, उसके अलावा और किसी के पास राइट नहीं है. अच्छा, जो रेलेवेंट पार्ट है वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ. 1, 2, 3 थर्ड पैराग्राफ देखना है, दिख रहा है क्या? अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग इन द एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल. पढ़ाई हम लोगों ने भी डिस्कस किया. ओके, फिर आपको ये बता दिया था मैंने, अगर उसकी होल्डिंग 10% से ज़्यादा है तो फिर सिंगल प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं है. सेकंड पॉइंट देखना, डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी. अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग. अ प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स. अ प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. है ना, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. राइट्स ऑफ प्रॉक्सी. अ प्रॉक्सी इज द राइट टू अटेंड द मीटिंग. अ प्रॉक्सी इज द राइट टू वोट ऑन ओनली ऑन अ पोल. अ प्रॉक्सी इज एलिजिबल अंडर 109 हैज द राइट टू डिमांड अ पोल. मतलब पोल डिमांड भी कर सकता है. अच्छा, पोल कब डिमांड कर सकते हैं वो अभी आगे अपने को पढ़ना है. कितनी आपकी होल्डिंग होनी चाहिए तब आप पोल डिमांड कर सकते हो. पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी. अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शैल नॉट बी एंटाइटल टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज इज प्रॉक्सी अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सच कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी कौन बन सकता है? मेंबर ही बन सकता है. ये 10% वाला वापस आ गया, ये छोड़ दो. आगे देखना, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज. कितने टाइम पहले? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. चलो आगे देखो. नेक्स्ट, अभी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के क्या क्या प्रोविजन है. डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज. द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी ईदर इन पर्सन और थ्रू पोस्ट नॉट लेटर देन 48 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग इन रिलेशन टू विच दे आर डिपॉजिटेड. एंड अ प्रॉक्सी शैल बी एक्सेप्टेड इवन ऑन अ हॉलीडे इफ द लास्ट डे बाय विच इट कुड बी एक्सेप्टेड इज अ हॉलीडे. मतलब बोलने का पर्पज क्या है कि अगर सपोज ट्यूजडे को मीटिंग है आपकी, 48 घंटे मतलब संडे तक आपको डिपॉजिट करना है. अब संडे छुट्टी है लेकिन फिर भी प्रॉक्सी डिपॉजिट हो सकती है. जरूरी नहीं अगर वो छुट्टी आ जाए तो भी आप प्रॉक्सी एक्सेप्ट करोगे. रिकॉर्ड ऑफ प्रॉक्सीज कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. कौन से फॉर्म में? MGT 11, है ना. अच्छा, अगर किसी कंपनी के बिहाफ पे तो उसका साइन स्टैम्प सब कुछ रहता है. इंडिविजुअल है तो साइन रहता है. अगर जॉइंट मेंबर्स है तो जॉइंटली मिलकर प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं. अच्छा, दो में से एक मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहा है, जॉइंट होल्डर्स है, दो में से एक अटेंड कर रहा है, डू यू नीड अ प्रॉक्सी? दोनों के पास राइट है ना. फर्स्ट राइट फर्स्ट मेंबर नहीं है, सेकंड मेंबर. और इसमें है, हाँ ये ठीक है, ये देख लेना. स्टैंप लगते ही है, बता 15 पैसे का स्टैंप लगता था पहले. 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप हम लोग लगाते हैं कि 15 पैसे का मिलेगा नहीं आपको, बट स्टैंप कंपलसरी है. अगर प्रॉक्सी स्टैंप नहीं किया, साइन नहीं किया या स्टैंप कैंसिल नहीं किया तो इनवैलिड प्रॉक्सी मानी जाती है ना. सो इट शुड बी स्टैम्प्ड. और क्या है इसमें? बस बाकी ठीक है. और हाँ, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सीज. अगर आपको रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज इंस्पेक्ट करना है तो मीटिंग से 24 घंटे पहले. कितना पहले? 24 घंटे पहले. और मीटिंग कंक्लूड होने तक आप रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज इंस्पेक्ट कर सकते हो. ठीक है, कब? बिजनेस आवर्स में 9 से 6 इंस्पेक्ट कर सकते हो. अच्छा, कंपनी ने स्पेसिफिकली टाइम बता दिया, 11 से 2 में ही कर सकते हो. तो इज द क्लॉज वैलिड इन द आर्टिकल्स? प्रॉक्सी और रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी कैन बी इंस्पेक्टेड 24 hours बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग एंड कंक्लूड्स विथ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. आपने आर्टिकल्स में लिखा कि इस टाइम पीरियड में 24 घंटे और कंक्लूजन ऑफ मीटिंग ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, लेकिन आपने स्पेसिफाई किया 11 से 2. इज द क्लॉज वैलिड? हाँ बिल्कुल वैलिड है यार, क्या दिक्कत है. अगर मैंने रात के 11 से 2 बोला था ना तो दिक्कत थी कि बिजनेस आवर्स के बाद. बिजनेस आवर्स में तो आप टाइम स्पेसिफाई कर ही सकते हो ना, जरूरी नहीं 9 से 6 पूरा टाइम देना है मेरे को कभी भी बिजनेस आवर्स में, कोई सा भी टाइम. हाँ हाँ, दौड़ते हैं, हर कंपनी का ही रहता है 2-3 घंटे अलाउ करते हैं. दिन भर में दुकानदारी खोल के बैठे रहोगे तो काम कब करोगे? रिवोकेशन काम मतलब बिजनेस, यू डर्टी मैन. हाँ, प्रॉक्सी रिवोक हो सकती है क्या? बोलो ना, कौन रिवोक करेगा? मेंबर, जिसने लिख कर दिया है ना वही प्रॉक्सी रिवोक करेगा. कितनी बार कर सकता है? बार बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लास्ट कौन सा प्रॉक्सी कंसिडर करोगे? और क्या पढ़ना है इसमें? बस ये पॉइंट्स देख लो, एक्चुअली कुछ ऐसे आपको पता है ऑलरेडी. ये सेकंड पर ये वाला देखना. प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रॉक्सी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द ओरिजिनल मीटिंग एंड सच मीटिंग इज अर्जेंट
एनी प्रॉक्सी गिवन फॉर द अर्जेंट मीटिंग रिवोक्स द प्रॉक्सी गिवन फॉर द ओरिजिनल मीटिंग. ओरिजिनल मीटिंग में प्रॉक्सी आपने अपॉइंट किया था, अर्जेंट मीटिंग में किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो अर्जेंट मीटिंग वाला प्रॉक्सी चलेगा, ओरिजिनल मीटिंग वाला नहीं चलेगा. अरे बहुत छोटा सा पॉइंट, इस पर केस बन सकता है. अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द प्रॉक्सी इशूड बाय द मेंबर. मतलब एजेंसी आप टर्मिनेट कर सकते हो, उसको कभी भी रिवोक बता हटा सकते हो प्रॉक्सी से, आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो भी चलता है. डन, बस और क्या ही हो गया, प्रॉक्सी आपका पूरा. आगे वोटिंग है, कल से स्टार्ट करते हैं जी. हाँ मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. रिवोक कब करते हो, जब आप किसी को कुछ देते हो तो रिवोक करते हैं. मैं लेने के लिए थोड़ी ना रिवोक करूँगा, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा. हाँ जी, हाँ आप रिवोक नहीं करोगे, उसको रिवोकेशन नहीं बोलते. रिवोकेशन किसको बोलते हैं, जब मैंने आपको कोई राइट दिया तब मैं रिवोक करता हूँ, राइट. ये आपका राइट नहीं है प्रॉक्सी बनना, ये आपका ऑब्लिगेशन है. तो ऑब्लिगेशन रिवोक नहीं होता कभी भी, आप जाओगे ही नहीं. हाँ मतलब मैं थोड़ी ना बांध के रख सकता हूँ मीटिंग जाना ही पड़ेगा आपको, मत जाना. तो रिवोकेशन करने की जरूरत नहीं है उसमें. डन, कोई कंफ्यूजन? जी सर. ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बोला है ना, मतलब बिजनेस आवर्स में कोई सा भी टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो, आपको पूरे बिजनेस आवर्स देना ऐसा जरूरी नहीं है. अच्छा, जैसे आप AGM बिजनेस आवर्स में होल्ड करते हो, मतलब 9 से 6 पूरी मीटिंग होल्ड करना है क्या, कभी भी होल्ड कर सकते हो ना उसमें, तो आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड पता है, उस टाइम पीरियड में कभी भी कर सकते हो. वैसे डन, कंक्लूड करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.